Hello everyone, welcome to the social science class of grade 6. In this video we are going to discuss the back exercise and the question answer of chapter 2 geography, that is latitude, longitude and the time. The first we discuss the multiple choice question answer. First question is, the parallel and the meridian on a globe are called. जो पैरलर्स और मेरिडियन होते हैं ग्लोब के ऊपर उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स और ग्रिड. तो करेक्ट आंसर इज द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश टाइम जोन्स. कितने टाइम जोन्स में हमने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया है. तो करेक्ट आंसर इज 24 टाइम जोन्स. नेक्स्ट द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू. प्राइम मेरिडियन जो है वो जो मेन सेंटर पॉइंट है लॉन्गिट्यूड का, वो कहाँ से पास होता है, कैनेडा, ग्रीनविच नियर लंदन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट आंसर इज द ग्रीनविच नियर द लंदन. नेक्स्ट 0 degree एंड 180 degree ऑन द ग्लोब आर ऑन द डैश लाइन, सेम लाइन, पैरेलल लाइन, ऑपोजिट लाइन और द हॉरिजॉन्टल लाइन. करेक्ट आंसर इज ऑपोजिट लाइन्स. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज डैश इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ टू द इक्वेटर, उसको हम क्या कहते हैं. करेक्ट आंसर इज द लैटिट्यूड. सेकेंड इज एट द इक्वेटर डैश सन रेज आर रिसीव. किस तरह की सन रेज रिसीव होती हैं, ऑलवेज वर्टिकल ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर. द लोकल टाइम ऑफ अ जम्मू एंड कश्मीर इज डैश एज द लोकल टाइम ऑफ द असम. तो क्या होता है, सेम, बिकॉज जम्मू कश्मीर एंड द असम लाइज इन द सेम टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, एक ही टाइम जोन के अंदर आते हैं, दैट्स वाई टाइम इज द सेम. नेक्स्ट इज वैन इट इज 6:30 PM इन कोलकाता, इट विल बी डैश इन लंडन. तो लंडन में कितना टाइम होगा, इट इज 1 PM एज लंडन टाइम इज 5 hours 30 minutes बिहाइंड द इंडियन टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ 1 PM. नेक्स्ट इज आवर ट्रू फॉल्स. द मेरिडियन इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन द नॉर्थ नोन एज साउथ पोल एंड इन द साउथ नोन एज द नॉर्थ पोल. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द नॉर्थ इज नोन एज द नॉर्थ पोल नॉट द साउथ पोल एंड द साउथ इज नोन एज द साउथ पोल नॉट द नॉर्थ पोल. सेकेंड ऑल पैरलर्स आर लार्ज सर्कल, सभी पैरलर्स जो होते हैं वो लार्ज सर्कल होते हैं. इट इज़ रॉन्ग, ऑल पैरलर्स आर नॉट द लार्ज सर्कल, इक्वेटर इज अ लार्ज सर्कल, अदर सर्कल्स आर लेसर देन इन साइज देन द इक्वेटर. नेक्स्ट इज हाफ सर्कुलर लाइन्स एंड देयर लेंथ इज ऑलवेज डिफरेंट. जो हाफ सर्कुलर लाइन्स मीन लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उनकी लेंथ हमेशा डिफरेंट होती है. आंसर इज फॉल्स बिकॉज देयर लेंथ इज ऑलवेज सेम. The term grid refer to a framework of lines drawn at unequal intervals. This statement is also false because there is an equal distance between the longitudes and the parallels of latitude, that is 1 degree. Next is the world clock can be best be set with the standard time. The answer is true. Next is our very short answer type question answer. First is what is the great circle? Answer is the equator is the great circle. Next, define the lines which converge at the poles. Lines of longitude converge at the poles. These semicircles that run to the north pole to the south pole, also known as meridians. Next question is, give full form of IST. Full form of IST is Indian Standard Time. Next is, name the 5 important parallels of latitude. Important parallels of latitude are equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. Which is the standard meridian of India? जहाँ पर हमने इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका बताना है. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 degree 30 minute ईस्ट. नेक्स्ट इज आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज वट इज़ द रिलेशन बिटवीन longitude and the time. Longitude और time के बीच में क्या relation है, कैसे हमारा time longitude पर depend करता है. There is
a close relation between the longitude and the time. The earth makes complete rotation in 360 degrees in 24 hours. एक rotation पूरा करने में 24 hours लेती है and it passes 15 degrees in 1 hour. 1 degree in 4 minutes. Thus there is a difference of 4 minutes of time for 1 degree of longitude. एक longitude को cross करने में 4 minutes का time लगता है. तो उसके according ही हम हर एक region का हर एक area का time चेक कर सकता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरी रीजन तक जाने में कितना टाइम का डिफरेंस हो सकता है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इनके लाइंस का मेन यूज़ क्या है, हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्यों बनाए हैं. द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्मिंग ए ग्रिड इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल. दिस ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस. हम इनकी हेल्प से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री हीट जोन्स. थ्री हीट जोन कौन से हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रीजिड जोन. दीज आर द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. हियर इज द डायग्राम ऑफ द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रीजिड जोन. नेक्स्ट, गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रीजिड जोन. फ्रीजिड जोन की कोई दो करेक्टरिस्टिक, कोई दो विशेषताएं बतानी है. इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. द सन नेवर राइजेज अबव द होरिजन. जहाँ पर होरिजन से ऊपर कभी भी सन नहीं आता और जो सबसे कोल्डेस्ट जोन है. अबव द आएगा जहाँ पर, जो बाय मिस्टेक लिखा गया है, ओनली अबव द आएगा, अबव द होरिजन. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. एक्सप्लेन हाउ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हेल्प अस टू लोकेट द प्लेसेस. द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर बाय फॉर्मिंग ए ग्रिड कॉल्ड ग्रेटिक्यूल. दिस ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट द प्लेसेस. हम अर्थ के ऊपर प्लेसेस कैसे लोकेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड दैट इज मेक बाय लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड. टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन द पोजिशन ऑफ द प्लेस इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन शुड बी नोन. तो अगर हम एग्जैक्ट प्लेस पोजिशन पता लगाना चाहते हैं तो हमें सारी डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. द डिफरेंस बिटवीन आर लैटिट्यूड, दे आर द पैरेलल टू वन अदर, पैरेलल हैं एक दूसरे के. एंड लॉन्गिट्यूड, दे कन्वर्ज एट द पोल्स. पोल्स के पास सभी लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं. दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ बट द लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ. द इक्वेटर इज द ग्रेटर सर्कल, डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. एंड द प्राइम मेरिडियन इज द एन इंटरनेशनल डेट लाइन, टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब हाउ इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड. इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स किया गया है और वे कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है. इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 degrees 5 minutes. ईस्ट इट्स लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द मिर्जापुर. 82 degrees 5 minutes ईस्ट को हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है और जो मिर्जापुर सिटी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो उस पास होता है. दिस लॉन्गिट्यूड सेम फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. दिस लॉन्गिट्यूड मीन्स दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. पूरी इंडिया की स्टेट्स में इसके अकॉर्डिंग ही टाइम सेट होता है. दैट्स ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.